गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जूनियर केजी में मैथ सब्जेक्ट में स्टडी करने वाले हैं। हम मोस्टली हमारा 1 to 10 ओरल और रिटन कंप्लीट हो गया है, उसकी कुछ एक्सरसाइज आज मैं करवाने वाली हूँ। उससे पहले हम पहले 1 to 10 एक बार रिसाइट कर लेते हैं, एक बार 1 to 10 लिखेंगे साथ में, ओके? चलिए तो सब मेरे साथ लिखिए 1 to 10। चलिए तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? नंबर 1। चलिए तो अब लिखते हैं हम नंबर 1। 1 के बाद क्या आएगा? 2। क्या लिखेंगे हम? 2। 2 के बाद क्या आएगा? 3। तो क्या लिखेंगे हम? 3। 3 के बाद क्या आएगा? 4। तो क्या लिखेंगे हम? 4। 4 4 के बाद क्या आएगा? 5। तो क्या लिखेंगे हम? 5 5। 5 के बाद क्या आएगा? 6। तो क्या लिखेंगे हम? 6 6 6। 6 के बाद क्या आएगा? 7। तो क्या लिखेंगे हम? 7 7 7 के बाद क्या आएगा? 8। तो क्या लिखेंगे हम? 8 8 8 8 के बाद क्या आएगा? 9। तो क्या लिखेंगे हम? 9 9 9 के बाद क्या आएगा? 1 0 10। तो क्या लिखेंगे हम? 10। चलिए तो अभी हमें सारे बॉक्स में 1 to 10 लिखेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10। 1 2
नंबर्स दिए होंगे और उसके सामने दूसरे कुछ नंबर्स दिए होंगे, उस नंबर में से इस नंबर को फाइंड करके हमें उसके ऊपर सर्कल बनाना है। चलो मैं दिखाती हूँ, अभी आपको ऐसे पता नहीं चलेगा।
लेते हैं नंबर टू। नंबर टू के सामने की पूरी लाइन में जहां पर भी नंबर टू है वहां पर हम करेंगे सर्कल। ओके देखिए डबल देते हैं, ये है नंबर टू, तो इस लाइन में जितने भी टू है उसके ऊपर हम क्या करेंगे सर्कल करेंगे। ओके तो चलिए, ये टू है, ये टू है नहीं, ये टू है यस, तो इसके ऊपर होगा सर्कल। फिर ये टू है नहीं, ये तो थ्री है, ये टू है यस, तो इस टू के ऊपर होगा सर्कल। उसके बाद है सिक्स, फोर, टू, टू है ना ये, तो टू के ऊपर करेंगे हम सर्कल। अभी उसके बाद की बात नंबर फोर, उसके सामने वाली लाइन में जितने भी फोर है उस पे हम सर्कल, ये फोर है यस, तो फोर पे होगा सर्कल। ये फोर है नहीं, ये फोर है नहीं, ये फोर है यस, तो इस फोर के ऊपर सर्कल। ये फोर है यस, तो इस फोर के ऊपर सर्कल। ये फोर है नहीं, ये फोर है यस, तो इस फोर के ऊपर सर्कल। उसके बाद है नंबर एट, तो ये नंबर एट है नहीं, ये नंबर एट है नहीं, ये नंबर एट है यस, तो नंबर एट के ऊपर सर्कल। ये नंबर एट है यस, तो इस पे भी नंबर एट के ऊपर सर्कल। ये नंबर एट है नो, ये तो नंबर टेन है, ये नंबर एट है यस, तो इस नंबर एट के ऊपर सर्कल। अब ये नंबर टेन के बाद, ये नंबर टेन है थोड़ा लगता है नहीं, ये है नंबर वन, ये नंबर टेन है यस, तो इसके ऊपर होगा सर्कल। ये नंबर टेन है यस, तो इसके ऊपर क्या होगा सर्कल। ये नंबर टेन है यस, तो इसके ऊपर क्या होगा सर्कल। ये नंबर टेन है नो, ये नंबर टेन है नो, ये नंबर टेन है यस, तो क्या होगा इस नंबर टेन के ऊपर सर्कल। देखा, इट्स वेरी इजी। ओके देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको पता चला कि क्या करना है, जो भी नंबर यहाँ पे दिया गया है वही नंबर के आगे आपको सर्कल करना है। ओके अब है नंबर सिक्स की बात, ये नंबर सिक्स है यस, तो सिक्स के ऊपर सर्कल। ये नंबर सिक्स है नो, ये नंबर सिक्स है नो, ये नंबर सिक्स है यस, तो इस सिक्स के ऊपर सर्कल। ये नंबर सिक्स है नो, ये नंबर सिक्स है यस, तो इस नंबर सिक्स के ऊपर सर्कल। ये नंबर सिक्स है यस, तो इस नंबर सिक्स के ऊपर सर्कल। अब है नंबर वन की बात, ये नंबर वन है नहीं, ये नंबर वन है यस, तो इस नंबर वन के ऊपर सर्कल। ये नंबर वन है यस, तो इस नंबर वन के ऊपर होगा सर्कल। ये नंबर वन है यस, तो इस नंबर वन के ऊपर होगा सर्कल। ये नंबर वन है नहीं, ये नंबर वन है नहीं, ये नंबर वन है यस, तो इस नंबर वन पे होगा सर्कल। अब है नंबर थ्री की बात, ये नंबर थ्री है नो, ये नंबर थ्री है यस, तो इस नंबर थ्री के ऊपर सर्कल। ये नंबर थ्री है नो, ये नंबर थ्री है यस, तो इस नंबर थ्री के ऊपर सर्कल। ये नंबर थ्री है नहीं, ये नंबर थ्री है यस, तो इस नंबर थ्री के ऊपर सर्कल। ये नंबर थ्री है यस, तो इस नंबर थ्री के ऊपर सर्कल। देखा कितना इजी है। चलिए अब उसके बाद में नंबर फाइव के बाद, ये नंबर फाइव है यस, तो नंबर फाइव के ऊपर हो गया सर्कल। ये नंबर फाइव है यस, तो ये हो गया नंबर फाइव के ऊपर सर्कल।
ये नंबर फाइव है? नो, ये है नंबर सिक्स. ये नंबर फाइव है? नहीं, ये है नंबर सेवन. ये नंबर नाइन है? नहीं, सॉरी, ये नंबर सेवन है? नहीं, सॉरी, ये नंबर फाइव है? नहीं, ये तो नंबर नाइन है. ये नंबर फाइव है? यस. तो इस नंबर फाइव के ऊपर सर. और ये नंबर फाइव है? नो, ये तो नंबर टू है. अभी सेकेंड लास्ट नंबर सेवन. ये नंबर सेवन है? नो, ये तो नंबर एट है. ये नंबर सेवन है? नो, ये तो नंबर नाइन है. ये नंबर सेवन है? यस. तो इस नंबर सेवन के ऊपर सर. ये नंबर सेवन है? नहीं, ये तो नंबर थ्री है. ये नंबर सेवन है? यस. तो इस नंबर सेवन के ऊपर सर्कल. ये नंबर सेवन है? यस. तो इस नंबर सेवन के ऊपर सर्कल. ये नंबर सेवन है? यस. तो इस नंबर सेवन के ऊपर सर्कल. वेरी गुड, बहुत अच्छे से किया आप लोगों ने. चलिए अभी लास्ट वन, नंबर नाइन. ये नंबर नाइन है? यस. तो चलिए इसके ऊपर करेंगे सर्कल. ये नंबर नाइन है? नो, ये तो नंबर एट है. ये नंबर नाइन है? यस. तो इसके ऊपर होगा सर्कल. ये नंबर नाइन है? नहीं, ये तो नंबर 1010 है. ये नंबर नाइन है? नो, ये तो नंबर टू है. ये नंबर नाइन है? नहीं, ये तो नंबर थ्री है. ये नंबर नाइन है? यस. ये रहा नंबर नाइन. तो इसके ऊपर होगा सर्कल. तो ये कंप्लीट हो गया हमारा नंबर्स सर्कल द राइट नंबर. ओके, तो बच्चों आप लोगों को इसकी अच्छे से घर में प्रैक्टिस करनी है. आपके पेरेंट्स को बताना चाहूंगी कि जो कुछ भी हम यहाँ से करवाते हैं उसकी आप मैक्सिमम अपने बच्चों से प्रैक्टिस करवाएं. जैसे मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ तो आप भी अपने बच्चों को क्वेश्चन लिखवा दीजिए, उसको फिर वो आंसर अपने आप लिखेंगे. और एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो है कि अगर आप मैथ्स की प्रैक्टिस करवा रहे हो तो बॉक्स वाली जो आती है नोटबुक उसमें करवाइए, और इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाते हो तो फोर लाइन वाली जो नोटबुक आती है स्पेशल इंग्लिश के लिए उसमें करवाइए, जिससे उनको आगे राइटिंग में और फोर लाइन में लिखने की हैबिट अभी से हो जाए और आगे के स्टैंडर्ड्स में उनको प्रॉब्लम ना आए. क्योंकि केजी सेक्शन में भी अभी से ही फोर लाइन और स्क्वायर वाली नोटबुक आ जाती है. तो इफ यू आर प्रिफर कि न्यू बुक लाए या फिर घर में भी कोई बुक पड़ी हो उसे करवा सकते हो. तो ठीक है बच्चों, आज के लिए आपको ये होमवर्क अच्छे से करना है.